अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सजा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसको उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, वन नेशन वन लीडर, बाकी सारे लीडर्स को खत्म कर दिया जाए। इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। पूरा देश ये देख रहा है। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये भारत हम सबका है, ये भारत 130 करोड़ लोगों का है। हम सबने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आजाद भारत को आजाद कराने के लिए। लेकिन आज की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार का स्वरूप अंग्रेजों की सरकार से भी बहुत ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। अब लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमने भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठे होके इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। सरकार किसी की बने, कल को सरकार चाहे इसकी बने चाहे उसकी बने, इस पार्टी के बने उस पार्टी के बने, वो जरूरी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जनतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है। अगर पार्टियां इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा लोग इंपॉर्टेंट हैं। अभी अभी मैंने संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर एक एग्जांपल दिया। एक ऑटो रिक्शा वाला मिला, ऑटो रिक्शा वाला मुझे कह रहा था जी मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं शायद गिरफ्तार ना कर लें। इस देश के अगर एक ऑटो रिक्शा वाले को व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है तो आपने 130 करोड़ लोगों को डरा के रखा हुआ है। ऐसे देश कैसे चलेगा? डर डर के लोग कैसे जिएंगे? और क्यों डर डर के जिए? हम हमारा देश है, हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, हम क्यों डर डर के जिए? पूरे देश को व्यापारी डरा हुआ है, किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, नेता डरे हुए, सब लोगों को डरा के रखा। जुडिशरी डरी हुई है, जज डरे हुए हैं, मीडिया वाले डरे हुए हैं, सबको धमकाते हैं ये लोग, सबको सबको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी देते हैं लोग। सर, इससे पहले हमने देखा कि आप लोगों के कांग्रेस के साथ रिश्ते काफी खराब रहे, लेकिन आज 14 वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे आपस के रिश्ते इम्पोर्टेंट नहीं है, इस टाइम देश को बचाना इम्पोर्टेंट है। मीडिया के ऊपर प्रहार हो और मैं अगर कहूं कि मेरी इस चैनल से बनती नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी से बनती है या किसी से नहीं बनती, इससे व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं कि व्यक्तिगत बुरे रिश्ते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 130 करोड़ लोगों को, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। थैंक यू।